रविंद्र व्यास जी, अगर बुंदेलखंड की बात कर लें तो बुंदेलखंड में कोरोना को लेकर तमाम अखबारों में किस तरह की खबरें आ रही हैं? आज भास्कर ने एक कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर छापी है कि 64 दिन बाद सागर में, ये रविवार का दिन पहला ऐसा दिन था जब कोई भी मौत कोरोना संक्रमण से नहीं हो, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत भी कोई शव अंतिम संस्कार में के लिए नहीं लाया गया। दरअसल सागर में कोरोना के संक्रमण की दर सबसे ज्यादा है, जबकि सागर संभाग में अगर अन्य जिलों को देखें तो बाकी जिलों में एक नियंत्रण पाया गया है और सागर से ये एक अच्छी खबर है जी। व्यास जी, एक आज जो प्रभारी मंत्री हैं, आज वे छतरपुर पहुंच रहे हैं, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, तो उनकी आज वहां पर जो मीटिंग है, बैठक है क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ, क्या कुछ लगता है कि आज बैठक में क्या कुछ डिसाइड हो सकता है? क्योंकि अभी 5 तारीख से जो है लगातार अनलॉक शुरू हो चुका है, तो क्या अब और आगे और भी छूटें मिल सकती हैं? बेशक, क्योंकि छतरपुर सागर संभाग में ऐसा जिला है कि जहां सबसे ज्यादा नियंत्रण पाया गया है और लगभग रोजाना एक एक दो मरीज ही सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए ये आशा है लोगों को कि प्रभारी मंत्री जो है इसमें और छूट दे सकते हैं, पर कोरोना के जो जी बचाव के तरीके हों उस पर ध्यान रखने के लिए भी सख्ती बरतने की बात कह सकते हैं जी। यहाँ पर गीत जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी।